Hey everyone, what's up? Welcome back to my channel. I hope you all are safe and doing great. So, आज मैं शेयर करने वाली हूँ ह्यूज नायका हॉल. मैंने कुछ प्रोडक्ट सेल से परचेज की थी एंड कुछ प्रोडक्ट मुझे शायद सेल नहीं मिला है. एंड दिस इज गोना बी अ ट्राई ऑन हॉल, यानी कि जो भी प्रोडक्ट्स मैं दिखाने वाली हूँ उसका मैं अपने ऊपर अप्लाई करके भी दिखाऊंगी. लाइक ये जो लुक है मैंने इन्हीं प्रोडक्ट से क्रिएट किया है. सो इफ यू वॉन्ट टू नो देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग. एंड बिफोर स्टार्टिंग, इफ यू आर न्यू हियर देन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड यप विल जस्ट गेट स्टार्ट. क्योंकि ये ट्राई ऑन हॉल है तो मैं यू नो बिगिनिंग से लेके एंड तक, आई मीन प्राइमर से लेके सेटिंग स्प्रे तक ऐसे ऑर्डर में जाऊंगी. सो फर्स्ट प्रोडक्ट आई हैव इज अ स्विस ब्यूटी रियल मेकअप बेस हाइलाइटिंग प्राइमर है. दिस इज द पैकेजिंग, लाइक द कार्डबोर्ड पैकेजिंग एंड दिस इज द प्रोडक्ट राइट हियर. ये आपकी स्किन को एक ग्लो प्रोवाइड करता है जब आप इसे अप्लाई करते हो एंड यू कांट इवन सी द शिमर पार्टिकल्स. लाइक आप क्लोज भी जाओगे ना आपको नजर नहीं आएगा. इसका ओरिजिनल प्राइस है 349. आई थिंक ये न्यू लॉन्च है इसलिए मुझे इसमें कोई भी डिस्काउंट नहीं मिला है. एंड जो मेरा शेड है दैट इज 01 नेचुरल टिंट. आई थिंक ये हर स्किन टोन को मैच करेगा बिकॉज इसमें कोई भी व्हाइट कास्ट वाला इफेक्ट नहीं है. आप इसे अगर अप्लाई करते हो ना तो आपके स्किन के हिसाब से ही आपको ग्लो प्रोवाइड करता है. एंड देन यू हैव अ पंप बॉटल राइट हियर व्हिच इज वेरी गुड. अब इसे ब्लेंड करोगे यू कैन सी द ग्लो, इट्स ब्यूटिफुल. सो सेकेंड प्रोडक्ट आई हैव इज अगेन एन अफोर्डेबल प्रोडक्ट. सो ये है इनसाइड कॉस्मेटिक्स 2x कवर मास्टर कंसीलर इन द शेड सन बेज एंड इसका जो प्राइस है दैट इज 110 रुपीज. मुझे इसमें भी कोई डिस्काउंट नहीं मिला है. मैंने आज कोई भी फाउंडेशन यूज़ नहीं किया है एंड दिस इज द शेड राइट हियर. लाइक इसे थोड़ा सा अगर डार्क हो तो मेरे स्किन टोन से अच्छे से मैच कर जाता. एंड इसका जो कवरेज है इट्स वेरी लाइट वेट ऑन स्किन. द कवरेज इज शियर टू मीडियम कवरेज. यू कैन बिल्ड दिस अप एंड इट्स नॉट गोना लुक केकी एंड इट्स एक्चुअली मोर ऑफ अ डेली यूज वाला कंसीलर. लाइक अगर आपको थोड़ा बहुत शियर कवरेज चाहिए ताकि लगे थोड़ा सा इवन टोन हो जाए आपका स्किन, आई थिंक इसके लिए ये परफेक्ट है. आप डेली इसे यूज़ कर सकते हो एंड इट्स सुपर अफोर्डेबल. एंड ये बहुत जल्दी जल्दी ड्राई नहीं होता तो आपको टाइम मिलता है आपको आराम से इसे ब्लेंड करने का एंड देन आप इसे सेट कर सकते हो आराम से. वन थिंग गाइस, सारा प्रोडक्ट जो मैंने खरीदी है ना वो मेरा फर्स्ट परचेस है. मैंने इसे पहले इसे प्रोडक्ट कभी ट्राई नहीं किया है तो इट्स गोना बी अ फर्स्ट इंप्रेशन. सो द लूज पाउडर आई हैव इज बाय द ब्रांड के ब्यूटी. सो दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट फ्रॉम के ब्यूटी. मैंने के ब्यूटी का प्रोडक्ट इससे पहले मंगवाई नहीं थी. इसका जो ओरिजिनल प्राइस है दैट इज 799 रुपीज एंड मुझे डिस्काउंट पे ये 719 पे मिला है. एंड ये जो मेरा शेड है दैट इज 02 बनाना एंड इसका पैकेजिंग इज रियली वेरी कूल. लाइक व्हेन यू ओपन इट अप यहाँ पे आपको कितना मेश मिलता है जिसके अगर आप यू नो अगर प्रेस करते हो ना तो आपका जो प्रोडक्ट है वो निकल आता है. सो एक्चुअली इससे आपका प्रोडक्ट कम वेस्ट होता है. सो दैट द बेस्ट थिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट मुझे भी लगा. इट्स अ वेरी फाइन मेल्टेड पाउडर. लाइक बहुत ही सीमलेसली ये अप्लाई हो जाता है एंड ये कंसीलर को फिर फाउंडेशन को अच्छे से सेट कर देता है. सो इट हैज़ अ वेरी सीमलेस फिनिश टू इट. सो नेक्स्ट प्रोडक्ट आई हैव इज एन आईब्रो पेंसिल. दिस इज बाय द ब्रांड एट्यूड हाउस ड्रॉइंग आईब्रो पेंसिल 01 डार्क ब्राउन. आई ऑलवेज यूज डार्क ब्राउन यू नो किसी भी ब्राउ पेंसिल पे एंड दिस इज इसका जो प्राइस है दैट इज 260 रुपीज. इसे मुझे कोई ऑफर नहीं मिला है एंड आई डोंट माइंड बिकॉज ये इट इज सुपर सुपर गुड यू गाइज. इसमें आपको ना एक साइड पे मिलता है रिट्रैक्टेबल प्रोडक्ट एंड अदर साइड पे आपको मिलता है एक स्पूली. This is the pigmentation right here. You can see it has a little bit of waxy effect. So, अच्छी तरह से brows set भी हो जाता है. So, next product I have is an eyeshadow. It's a liquid eyeshadow by the brand Blue Heaven. Sapphire liquid eyeshadow in the shade 02 Shooting Star. इसका जो original price है, it is 175 rupees. मुझे discount पे ये 158 rupees पे मिला है. The only thing I felt is इसे अगर आप you know मैं चाह रही थी कि मेरा you know bare eyes में like मैंने बस अपना concealer apply किया set किया था. उसके बाद I wanted to apply it directly on the eyelid without any eyeshadow. Like eyeshadow के ऊपर apply करोगे तो वो अलग बात है. ये बीच बीच में crack हो रहा था and जहाँ पे मैं blend कर रही थी actually finger से ना वहाँ से move हो रहा था. तो that's the only problem I felt. Otherwise the shade is really pretty. इसमें और भी बहुत सारे shades आपको मिल जाएगा इसी same liquid eyeshadow में. And this is the shade right here. You can see it's pretty good. मैंने एक आई शेडो अप्लाई किया पूरी आईलिड पे एंड देन आई ट्राई टू अप्लाई दिस वन सेंटर पे एंड तब जाके वो थोड़ा बहुत ब्लेंड हो रहा था फिंगर से. अदरवाइज ओनली द एप्लीकेटर वर्क्स फाइन विद दिस प्रोडक्ट. एंड वन थिंग जो मैंने नोटिस किया ये थोड़ा सा टाइम लेता है ड्राई होने में. सो ये एक्चुअली मेरे लाइन्स पे ना सेटल हो गया. नेक्स्ट प्रोडक्ट आई हैव इज अ मस्कारा. इट्स द न्यू लॉन्च. इट्स बाय द ब्रांड नायका एंड दिस इज द नायका सुपर साइजर वॉल्यूमनाइजिंग वाटर प्रूफ मस्कारा.
इसमें आई गेस और एक और दो भी था पिंक एंड ग्रीन, एज इफ इट्स अ न्यू लॉन्च, इसमें कोई मुझे डिस्काउंट नहीं मिला है। इसका प्राइस है 399 rupees, डोम शेप वाला वॉन्ड जैसे होता है वैसा ही है, कुछ खास इसमें नहीं है। एंड आई रियली didn't like it, like I like it, it's a nice decent product, but according to the price point, because इससे अच्छा तो Maybelline का बहुत सारा है affordable range में, and वो सब you know bomb mascara है, so उसके हिसाब से the price point you're paying, I think it's not at all up to the mark, you know, it coats every like each and every lashes, but I don't think it gives a voluminizing effect, as you can see, like मेरा lashes में कोई भी लो voluminizing effect नज़र नहीं आ रहा है। Next product I have is a blush, so this is the LA Colors Rad Rouge Blush in the shade For Sure. इसका original price is 590 rupees and मुझे discount पर मिला है 295 rupees, and that's why I ordered it. And ये actually picture पे matte लग रहा था, but it's not at all a matte one. It has shimmer particles in it and वो भी you know बहुत ज़्यादा amount पे. And इसमें actually आपको एक brush भी मिलेगा ऐसा like soft वाला brush, इसका nose contour कर सकते हो शायद, but no it's not for blush, शायद contour हो सकता है आपका इससे. The blush is actually not good अगर आपका थोड़ा सा bumpy skin है, अगर थोड़ा सा textured skin है ना आपका, तो उसके लिए ये this is not a good blush to go for. Like if you have smooth and nice skin, उसके लिए ये blush is nice because it has shimmers in it. Otherwise it looks good. इसका color is pretty nice. इन्हें एक्चुअली फेयर स्किन टोन पे ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, एंड मेरे स्किन टोन में थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है ये वाला शेड. नेक्स्ट अप वी हैव अ ब्रॉन्जर जो कि बहुत ही हाइप्ड वाला ब्रॉन्जर है. सो दिस इज़ द फिजिशियंस फार्मूला मुरुमुरू बटर ब्रॉन्जर इन द शेड सन किस्ट, एंड इसका जो प्राइस है दैट इज़ 1200 rupees, यानी कि 1200 rupees, मुझे कोई डिस्काउंट नहीं मिला है. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक, वेरी यू नो गोवा वाला वाइब देता है, एकदम वेकेशन वाइब देता है ये वाला. तो इसको एक्चुअली आपके यहाँ पे ऐसे प्रेस करना होता है, उसके बाद ही ओपन होता है, एंड यू विल गेट अ मिरर एंड अ ब्रश, लाइक एप्लीकेटर नॉट अ ब्रश, इट्स अ लाइक स्पॉन्ज टाइप एप्लीकेटर. नाउ लेट्स कम टू द प्रोडक्ट. द प्रोडक्ट इज ब्यूटिफुल यू गाइज, this is the shade right here, and iska smell is like butter cookie type iska smell hai, and it feels so soft, so buttery, and when you apply it na ye pura aapki skin pe na melt ho jata hai. It's not gonna give you that harsh bronzy look, it's gonna give you that smooth and nice and you know within wala ek look dega aapko. And I just so love this shade and love the formula of this product. The hype about this product is real. Next item I have is in this box right here, ye Nykaa the luxury store ka hai, and isme mujhe ek chota sa product receive hua hai, that is this one, the Becca Shimmering Skin Perfector Pressed Highlighter Mini in the shade Moonstone, and iska jo price hai that is 1500 rupees, yani ki 1500 rupees, and isme mujhe koi discount nahi mila hai. So iska jo product hai, it looks something like this. It's very tiny, like as you can see mere palm pe fit ho raha hai, like palm se bhi chota hai mera, so it's very very tiny, and when you open it up, आपको यहाँ पे एक छोटू क्यूट सा मिरर मिलता है, एंड दिस इज़ द प्रोडक्ट राइट हियर, एंड लेट मी जस्ट स्वॉच इट, इट फील्स सो बटरी, इट हैज़ वेरी फाइन मेल्टेड शिमर पार्टिकल्स. सो मैंने अभी इसे अप्लाई किया हुआ है मेरे फेस पे, एंड यू कैन सी माई स्किन इज़ ग्लोइंग, एंड आई रियली लव द प्रोडक्ट. अगर आप ढूंढ रहे हो अच्छा हाइलाइटर, तो आपको आएगा इससे बहुत अफोर्डेबल में, लाइक इसे 3 गुना कम में आपको वेट न वाइल्ड एंड Maybelline मिल जाएगा, वो भी काफ़ी अच्छा है, एंड आई थिंक ऐसा ही कुछ इफेक्ट देता है आपको. नेक्स्ट प्रोडक्ट आई हैव इज़ अ सेट ऑफ 2 lipsticks. सो दिस इज़ बाई द ब्रांड L'Oreal, इज़ देयर L'Oreal पैरिस रूज सिग्नेचर. सो इसमें एक्चुअली ऑफर चल रहा था, इसका जो सेट का प्राइस है, कॉम्बो का प्राइस, दैट इज़ एक्चुअली 1300 rupees, एंड मुझे ये मिला है 650 rupees में, विच इज़ लाइक हाफ ऑफ इट. लाइक वन इज़ 115, आई एम वर्थ इट, वन इज़ 121, आई चूज. सो दिस वन आई एम वेयरिंग राइट नाउ, एंड इट्स अ वार्म टोन लिपस्टिक, वार्म टोन रेड. सबसे अच्छा लगा मुझे इसका फॉर्मूला, इट्स वेरी लाइट वेट and it's long lasting, so it's very very comfortable, and the shade is like the combo is really good. One is red, like warm red, another one is a pinkish one, pinkish nude, slightly has a peachish tone to it. So this is the red shade right here, you can see iska pigmentation is kafi acha hai, like ek baar mein aapko acha pigmentation isko mil jayega. This is the
shade right here. You can see it's very pretty, pinkish, peachish, nude कह सकते हो आप इसे, एंड बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है ये लिप्स पे. आपको इसका पिगमेंटेशन एक ही स्वाइप में नहीं मिलेगा, आपको एक बार अप्लाई करने के बाद और एक बार फिर से इसे आपको रीअप्लाई करना होगा अगर आपका थोड़ा बहुत डार्क लिप्स है. मेरा है तो मुझे दो बार अप्लाई करना पड़ा ये. नेक्स्ट प्रोडक्ट आई हैव इज अ सेटिंग स्प्रे बाय द ब्रांड पैक कॉस्मेटिक्स, एंड इसका जो प्राइस है ओरिजिनल दैट इज 925 रुपीज़ आई थिंक. इसे मुझे कोई डिस्काउंट नहीं मिला है, एंड इसमें आपको यू नो आई कैन सी द साइज ऑफ दिस बॉटल, इट्स सो बिग. इसमें आपको डर मिलता है 120 ml ऑफ प्रोडक्ट, एंड इट हैज़ ट्रस्ट मी, मैंने अभी तक जितना भी यू नो सेटिंग स्प्रे यूज़ किया है, इट हैज़ द बेस्ट स्प्रेइंग इफेक्ट. आप स्प्रे करने के बाद ना आपको कोई भी ड्रॉपलेट नज़र नहीं आएगा स्किन पे. सो इट इज़ अ माइक्रो फिनिश सेटिंग स्प्रे एंड इट इज़ सो नाइस यू गाइज, लेट मी शो यू. एंड जस्ट सेट्स द मेकअप इन प्लेस एंड लास्ट फॉर सो लॉन्ग. सो आई जस्ट एब्सोल्युटली लव दिस प्रोडक्ट. आई नो ये प्राइसी है, लाइक 925 रुपीज़ फॉर सेटिंग स्प्रे इज प्राइसी, बट ट्रस्ट मी यू विल गेट अ बिग बॉटल राइट हियर एंड यू विल नॉट रिग्रेट बाइंग दिस प्रोडक्ट. ओके सो आई एम एक्चुअली टायर्ड एंड मेरे पास और 4 प्रोडक्ट्स है जो कि रैंडम प्रोडक्ट्स है. सो फर्स्ट प्रोडक्ट आई हैव इज दिस वन. दिस इज द लॉरियल पैरिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑयल इन्फ्यूज विद अ ब्लेंड ऑफ 6 फ्लावर एक्सट्रैक्ट ऑयल्स फॉर ऑल हेयर टाइप्स. इसमें से 2 साइज अवेलेबल था, मैंने इसका स्मॉल साइज मंगवाई है जैसे चेक इट आउट, यू नो ट्राई करना था मुझे इसमें कैसा है इनवॉल्व. सो इसका प्राइस इज 299 रुपीज़, मुझे कोई ऑफर नहीं मिला है. एंड दिस इज़ द बॉटल, लाइक छोटू सा बॉटल राइट हियर, इज़ नॉट सो छोटू. इसमें आपको मिलता है टोटल 30 ml ऑफ प्रोडक्ट. तो एक्चुअली इट्स अ वर्सेटाइल ऑयल, आप इसे एज अ हीट प्रोडक्ट भी यूज़ कर सकते हो एंड यू कैन यूज़ इट टू स्टाइल योर हेयर, टू स्मूदन आउट योर हेयर. एंड I have used it one time only, that's it. I can't say more about this product, but I think the 299 rupees it's affordable and 30 ml of product is not bad at all. Next product I have is a micellar water, so it's by the brand Garnier. एंड मेरे पास एक्चुअली इसका पिंक वन है, मैं उसे यूज़ करती थी बट मैंने इसे कभी भी येलो वन यूज़ नहीं किया है. एंड इसका प्राइस इज 225 रुपीज़, मुझे इस पर कोई ऑफर नहीं मिला है. इसमें आपको मिलता है 125 ml ऑफ प्रोडक्ट, रिमूव्स वाटर प्रूफ मेकअप प्लस क्लींजेस प्लस नरिशेस. नेक्स्ट मेरे पास लास्ट, येस द लास्ट 2 प्रोडक्ट्स है मेरे पास जो कि है नेल पॉलिशेस. वन इज नायका एंड वन इज बाय द ब्रांड के ब्यूटी. आप देखते होंगे मेरे हाथ पे नो ज़्यादा डार्क कलर होता नहीं है मेरे फिंगर्स पे, मेरे नेल्स पे हमेशा मैं लाइट वाइट न्यूड ऐसा अप्लाई करती हूँ. नायका का ओरिजिनल प्राइस है 179 रुपीज़, डिस्काउंट मुझे मिला है 161 रुपीज़ में. एंड के ब्यूटी नेल पॉलिश का प्राइस है 225 रुपीज़, डिस्काउंट मुझे मिला है 203 रुपीज़ में. सो इट्स एक्चुअली अ वेरी प्रिटी पेस्टल, लाइक क्या कहते हैं पर्पल कलर और लाइलैक कलर कर सकते हो आप इसे. एंड ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, लाइक बहुत दिन तक स्टे कर जाता है ये. एंड लेट्स सी, बिकॉज यू नो वाइट नेल पॉलिश यू नो काफ़ी मुश्किल हो जाता है एक ही बारी में टू गेट दैट परफेक्ट वाइट इफेक्ट. And it looks beautiful, you guys. I so love this one. So yeah, that's it for my today's haul and try on haul. So agar aapko video acha laga to ek like zarur kar dena guys, and I'll see you guys in my next video. Till then, bye, take care, and I love you all.